नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट न्यूज में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में रंजीत यादव जी पहुंचे SCRT लखनऊ। उनके द्वारा जो प्राप्त अपडेट है, आपका मामला संज्ञान में है, जल्द ही निस्तारित होगा, ये CM योगी जी ने कहा है। जो महोबा की टीम थी जिसमें अजय सोनी जी भी गए थे ज्ञापन देने, डायरेक्ट योगी जी यानी मुख्यमंत्री जी से ही बात हुआ और उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, आपका मामला संज्ञान में है, हमने अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान करें। तो यहाँ पर उसके बाद आपके मामले को लेकर के आज भी मीटिंग हो रही है, विभाग आप पर विचार कर रहा है, ये उस टाइम कुछ टाइम अभी लगेगा, यानी अभी टाइम लगेगा, ये गणेश सर ने कहा है SCRT लखनऊ। तो यहाँ पे महोबा की टीम जब मुख्यमंत्री जी से मिलने गई तो मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि आपका जो मामला है हमारे संज्ञान में है, जल्दी ही निस्तारित होगा, हमने सचिव से बात करके उनको आदेश दिया है। वहीं गणेश सर कह रहे हैं कि आपका मामले पर ही मीटिंग चल रही है, विभाग आप पर ही विचार कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जरूरी कागजात देने पहुँचे हैं अधिकारी लोग। अभ्यर्थियों की टीम है जो कि मिल रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का जो रिपोर्ट हो उसको देने पहुंचे थे माननीय अध्यक्ष जी को। बात करें आज के न्यूज़ की, तो चलती रही CBI जांच, फेल को पास बनाता रहा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत होने के बावजूद अपन निजी सचिव APS 2010 का परिणाम जारी कर दिया था। इसके बाद CBI जांच शुरू हुई लेकिन आयोग के कदम नहीं थमे, जांच के बीच चयनित को नियुक्ति भी दे दिया। इस प्रक्रिया के तहत 222 चयनित UP सचिवालय में कार्यरत थे, जबकि 28 चयनितों की नियुक्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने के कारण रुकी है। यदि कोर्ट ने रोका होता तो इन्हें भी नियुक्ति मिल गई होती। आयोग ने APS 2010 के तहत 250 पदों की भर्ती निकाली थी। भर्ती की जांच कर रही CBI को काफी खामियां मिली थी, इसके बावजूद चयनितों की नियुक्ति देने की प्रक्रिया नवंबर 2019 में शुरू कर दी गई थी। नियुक्ति देने का क्रम 2020 तक चलता रहा, पर CBI जांच की मांग करने वाले प्रतियोगी आयोग के खिलाफ लंबित हो गए। तो इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट के निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं करने वाले को चयन करके नियुक्ति दी गई। हिंदी सार्थायन की परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों को 5% के बाद अवैध रूप से विवेकाधिकार के नाम पर 3% गलतियों में अतिरिक्त छूट दी गई। हिंदी सार्थायन और टाई की परीक्षा के मूल्यांकन दौरान फेल वालों को अधिक अंक दिलाकर पास कराया गया। सामान्य हिंदी और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कुछ अधिक अंक दिलाकर चयनित कराया गया। तो ये पूरी कहानी है लोक सेवा आयोग की सार्थायन की। वहीं टिकट देने के 48 घंटे में बताना होगा नेटा का क्रिमिनल रिकॉर्ड। विश्व में घटे हमारे यहाँ बढ़े हैं, देश में 674 सीट, लोकसभा से संविधान संशोधन विधेयक पारित। तो पिछड़ा वर्ग सूची बनाने का अधिकार देने के संबंधी जो संविधान का 127वां संशोधन विधेयक है 2021 को 385 मतों से पारित करा दिया गया। 127वां ये संशोधन है। प्रवेश की कतार तोड़ने पर ADC में हंगामा, छात्रों ने प्रचार पर लगाया मारपीट का आरोप। 112 राज्य बोले ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई किसी की मौत। तो खाकी सुस्त, नकल माफिया चुस्त, यहाँ STF की धरपकड़ के बाद भी नहीं होती है कार्रवाई, जेल से छोड़कर फिर कर देते हैं। सालवर गिरोह लगभग हर परीक्षा में सेधमारी कर रहे हैं, एक तरफ STF लगातार इन पर कार्रवाई करे तो उधर पुलिस की लापरवाही खेलते नकल माफिया पर शिकंजा नहीं कसा जा पा रहा है। पुलिस न तो फरार आरोपी को पकड़ने के लिए गंभीर होती है, नहीं पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कोई आगे कार्रवाई होती है। नतीजा नकल माफिया जेल से छोड़ते हैं फिर से अपना काम पर लग जाते हैं। KS पटेल झांसी में मेडिकल अफसर के तौर पर तैनात रह चुका KS पटेल। और चंद्रमा यादव धर्मेंद्र उर्फ DK TGT परीक्षा के दौरान 3 दिन पहले गिरफ्तार किया गया धर्मेंद्र अंतर्राज्यीय सालवर गिरोह का संचालन करते हैं। मूल रूप से सोराव के कमलनगर वादी का पूरा गांव का रहने वाला धर्मेंद्र नकल माफिया KL पटेल का सहयोगी, उसके जेल जाने के बाद उसने अपना गिरोह बना लिया और प्रतियोगी परीक्षा में सालवर बैठाने लगा। बताया कि सालवर पहले हुआ TT में सेधमारी करते हुए जेल भेजा गया था, हालांकि कैंट पुलिस की लापरवाही चलते उसे जमानत मिल गई, जिसके बाद वह फिर से परीक्षा में सालवर बैठाने लगा। वहीं चंद्रमा यादव जो कि 9,000 शिक्षक भर्ती की धांधली मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे, वह धूमनगंज में पंचम लाल स्मारक इंटर कॉलेज संचालन करते हैं। अपनी पहुंच के चलते हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए केंद्र भी बनवाते हैं, उसके खिलाफ अब तक गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री 12 को LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ताओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। और आंगनबाड़ी की भर्ती प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सत्ताधीश मुहर्रम के चलते PT 24 को। और बात करें शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, तो बेसिक में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद जोड़ने को लेकर के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को फिर से निदेशालय पर प्रदर्शन किया। यहाँ कोई सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने विधान भवन के लिए कूच कर दिया और पुलिस ने इन्हें शक्ति भवन के पास रोका। तो महिला अभ्यर्थियों ने सड़क पर लेटकर प्रदर्शन शुरू किया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को इको गार्डन ले जाकर छोड़ दिया। 2 माह से प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों ने कई बार बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर घेराव किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बेसिक शिक्षा विभाग की अनदेखी से भर्ती नहीं हो पा रही है। वहीं ICC 2028 ओलंपिक में क्रिकेट के लिए दावा ठोकेगा। तो ICC अब 2028 ओलंपिक में क्रिकेट के लिए दावा करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने मंगलवार को पुष्टि की, वह लॉस एंजिल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने के लिए अपनी तरफ से दावा पेश करेगा। ICC पिछले कुछ समय से क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। इस बार इस दावे को दुनिया के सबसे धनी बोर्ड BCCI
भारतीय क्रिकेट बोर्ड का भी समर्थन हासिल है। बोर्ड के सचिव जय शाह ने हाल में इस पर अपनी राय स्पष्ट की। बीसीसीआई सहमत है, जापान से पेरिस पहुंचा ध्वज। नीरज चोपड़ा का लक्ष्य अब विश्व चैंपियनशिप में। और पीसीएस की 224 पदों पर भर्तियां, उत्तराखंड की जबकि सीबीएसई की जो कंपार्टमेंट परीक्षा 25 अगस्त से होगी, सीबीएसई ने अपना जारी कर दिया। एलू में 16 से होगा हॉस्टल आवंटन। स्नातक की परीक्षा में 10% इजाफा हो सकता है। वहीं टीके के बाद मौत का खतरा लाख में एक। जबकि ऑनलाइन पढ़ाई में प्रयागराज यूपी में सबसे आगे निकला। प्रयागराज में 10,327 बच्चे पेड़ा एप से पढ़ते हैं। लखनऊ में 9,343, आगरा में 8,463। तो ऑनलाइन में नंबर एक पे है। इलाहाबाद स्नातक में समाजशास्त्र की होगी पढ़ाई। और समय पर जारी हो संशोधित उत्तर कुंजी। शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया। चकबंदी अधिकारी समेत 8 धांधली में निलंबित। मुख्यमंत्री के निर्देश पर निलंबन की कार्रवाई की गई। वाराणसी में मंडलायुक्त को सौंपी गई मामले की जांच। हर शनिवार को सिर्फ दूसरी खुराक का टीका ही लगेगा। समुगा की भर्ती के लिए अर्हता परीक्षा 24 अगस्त को। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी पॉलिटेक्निक परीक्षा। जबकि गृह परीक्षा में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो अब गृह परीक्षा में जो 10वीं-12वीं के मॉडल पेपर से नए सत्र के लिए 17 अगस्त से प्रवेश कराएंगे। और प्रवक्ता हिंदी का रिजल्ट जारी हुआ, 26 चयनित हुए। दागी नेताओं पर कोर्ट का कोड़ा, भाजपा कांग्रेस सहित 8 राजनीतिक दलों पर जुर्माना।